आइए समझते हैं सीआरपीसी 1973 का सेक्शन 14 एंड सेक्शन 22 को। सेक्शन 14 है लोकल ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स, यानी जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स होते हैं उनका ज्यूरिस्डिक्शन क्या होगा, सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ हाई कोर्ट। देखिए जनरली जो भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स होगा उसका कंट्रोल, जनरल कंट्रोल होगा हाई कोर्ट के पास, लेकिन चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कौन बताएगा? चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट डिफाइंस जो भी मजिस्ट्रेट्स हैं, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सबोर्डिनेट कौन कौन आएंगे, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, ये दोनों का लोकल ज्यूरिस्डिक्शन कहाँ तक रहेगा, कहाँ तक लोकल लिमिट्स रहेगा, वो डिफाइन कौन करेगा? चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट डिफाइन करता है, ठीक है। एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाई सच डेफिनेशन द ज्यूरिस्डिक्शन, मान लीजिए ऐसा अगर डिफाइन किया है तो ठीक है, लिमिट बता दिया चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज क्या होगा, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स का जो लिमिट होता है, ज्यूरिस्डिक्शन होता है, वो थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट होता है। कहाँ तक? जुडिशियल मजिस्ट्रेट का थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट उसका ज्यूरिस्डिक्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट अब सेक्शन 22 हम लोग समझेंगे। सेक्शन 14 था जुडिशियल मजिस्ट्रेट के रिगार्डिंग में एंड सेक्शन 22 एक्सिक्यूटिव मजिस्ट्रेट के रिगार्डिंग में। सेक्शन 22 लोकल ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ एक्सिक्यूटिव मजिस्ट्रेट, सिमिलर प्रोविजन है, सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ एक्सिक्यूटिव कंट्रोल में किसका कंट्रोल होगा? जनरल कंट्रोल स्टेट गवर्नमेंट का। और यहाँ जुडिशियल मजिस्ट्रेट में, यहाँ जुडिशियल मजिस्ट्रेट में जनरल कंट्रोल हाई कोर्ट का, एक्सिक्यूटिव मजिस्ट्रेट का जनरल कंट्रोल स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में कौन कौन डिफाइन करता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सबोर्डिनेट जो भी मजिस्ट्रेट आएंगे, अदर एक्सिक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स जो भी रहते हैं, सच एज सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या कोई भी अदर मजिस्ट्रेट जो भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सबोर्डिनेट में होता है, तो ऐसे सिचुएशन में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डिफाइन करता है, बताता है कि क्या लोकल लिमिट्स है, क्या ज्यूरिस्डिक्शन है जिसके अंतर्गत में एक्सिक्यूटिव मजिस्ट्रेट अपना ज्यूरिस्डिक्शन, अपना अधिकार एक्सरसाइज कर सकता है, पावर एक्सरसाइज कर सकता है, ठीक है। एक्सेप्ट एस अदरवाइज प्रोवाइडेड बाई सच डेफिनेशन, मान लीजिए अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा लोकल लिमिट लगा दिया गया, अगर नहीं लगाया गया है तो जनरल प्रोविजन क्या है कि जो एक्सिक्यूटिव मजिस्ट्रेट रहेगा, एक्सिक्यूटिव मजिस्ट्रेट का जो ज्यूरिस्डिक्शन होगा वो थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट रहेगा, ठीक है। थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट कोई अगर पूछेगा कि बताइए एक्सिक्यूटिव मजिस्ट्रेट का ज्यूरिस्डिक्शन क्या होता है, तो आप बोलिएगा एक्सिक्यूटिव मजिस्ट्रेट का ज्यूरिस्डिक्शन उसके थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट होता है। और अगर कोई पूछेगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट का ज्यूरिस्डिक्शन क्या होता है, तो उसका भी थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट रहता है, लेकिन अगर अगर चाहे तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट उसका लिमिट चेंज कर सकता है, लेकिन कंट्रोल किसके पास रहेगा? हाई कोर्ट के पास, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे एक्सिक्यूटिव मजिस्ट्रेट में एक्सिक्यूटिव मजिस्ट्रेट का ज्यूरिस्डिक्शन कहाँ तक रहता है? थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट, लेकिन अगर चाहे तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसे चेंज कर सकता है, लेकिन कंट्रोल किसके पास रहेगा? स्टेट गवर्नमेंट के पास, ठीक है। ये था हमारा सेक्शन 14 एंड सेक्शन 22 सीआरपीसी का। आई होप ये वीडियो यूजफुल लगा होगा और आप समझ गए होंगे ये प्रोविज़न अच्छे से, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।